Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from Motihari, East Champaran, Bihar, ये problem differential equation के non-homogeneous differential equation की है. 6x minus 5y plus 4 dy is equal to plus y minus 2x minus 1 dx is equal to 0. तो यहाँ पर ये linear differential equation homogeneous differential equation नहीं है. इसकी reason ये है कि इस वाले टर्म में x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है सेकंड टर्म में, लेकिन थर्ड टर्म में पावर 1 नहीं है, ये पावर इसकी 0 है. हर एक टर्म में जब पावर इक्वल होती है तभी हम कह सकते हैं होमोजीनियस. फिलहाल तो सबसे पहले हम dy और dx निकालेंगे. इस टर्म को राइट हैंड साइड में पहुँचा दें तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा ये टर्म 6x माइनस 5y प्लस 4 dy इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 1 dx. तो dy और dx निकालने के लिए इस dy को तो ट्रांसपोज करेंगे, इस फैक्टर को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो dy और dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस y माइनस 2x माइनस 1 होल अपॉन 6x माइनस 5y प्लस 4. अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, लेकिन हम इसको रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस में. तो इसके लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच लेट कर लेते हैं और वाई को मान लेते हैं कैपिटल वाई प्लस के. और ज़रूरत पड़ती है हमको डी वाई ओवर डी एक्स की, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को की जगह पर क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो y की वैल्यू है कैपिटल y प्लस के है और x की वैल्यू कैपिटल x प्लस h है. तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का dy हो जाएगा और ये k का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा. इस तरीके से dx और h का 0 हो जाएगा, यानी कैपिटल dy ओवर dx रख देंगे. तो ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 रिड्यूस हो जाएगा. कैपिटल dy ओवर कैपिटल dx इज इक्वल टू, यानी रोल बदल गया, जो स्मॉल एक्स वाई था वो कैपिटल वाई एक्स वाई ने ले लिया है. कैपिटल वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कैपिटल स्मॉल वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, कैपिटल वाई प्लस का के है माइनस टू टाइम्स एक्स की वैल्यू है कैपिटल एक्स प्लस का एच है, फिर माइनस का वन है न्यूमरेटर में देख रहे हैं. इक्वेशन नंबर 1 के न्यूमरेटर में ये वैल्यू हमने पुट की है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू. अपान में है ये 6x की जगह कैपिटल एक्स प्लस एच रखना है, फिर माइनस 5y की जगह पर कैपिटल वाई प्लस के प्लस का 4 है. अब यहाँ पर हम इसको एच और के की वैल्यू ऐसी हम चूज़ करेंगे, ऐसी हम रखेंगे, ऐसी निकालेंगे कि ये इक्वेशन जो है होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए. सबसे पहले हम यहाँ एक्स वाई के टर्म को अलग अलग करके लिख दें, यानी कैपिटल वाई और 2 का जब इसमें इंटू होगा तो माइनस 2x हो जाएगा. अब हम जो h के टर्म है इसका माइनस 2 का h में इंटू होगा तो ये माइनस का 2h हो गया और प्लस का k है और माइनस का ये 1 है. इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आ जाइए, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x हो जाएगा और 5 का जब इसमें इंटू होगा तो माइनस का 5y हो जाएगा और ब्रैकेट खोलने पर 6h यहाँ पर है और माइनस का 5k, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 5 का k में इंटू होगा और प्लस का 4a. तो ये हमारा होमोजीनियस तब बन जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा जब ये वाले टर्म ना हो, यानी इनकी वैल्यू यानी कम्बाइंड वैल्यू इनकी 0 हो जाए तो हमारा ये इतना सिर्फ बचेगा और उसमें एक एक पावर है तो होमोजीनियस बदल जाएगा. तो इसे इक्वेशन नंबर अभी 2 डाल दीजिए और ऐसी वैल्यू हम चूज़ करेंगे कि ये इक्वेशन 2 रिड्यूस होके होमोजीनियस इक्वेशन में बदल जाए. तो चूजिंग दिस वैल्यू यानी माइनस 2h प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 3 और यहाँ पर इसको छोड़ के बाकी इस वैल्यू को भी 0 बराबर रख दें. 6h माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और h और k की वैल्यू ऐसे निकालना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मीन्स इस इक्वेशन को हमारा होमोजीनियस बनाने इस पूरी की वैल्यू को 0 बनाते हुए, तभी 0 होगा इतना टर्म, ये 0 तभी होंगे जो कॉन्स्टेंट टर्म है जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हों. तो उसके लिए एच ओके की वैल्यू हमें फाइंड करना होगी. तो इन दोनों को सॉल्व करें, वो सॉल्व करने का कुछ भी मेथड हो सकता है आपका. तो यहाँ पर हम इस एच के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके फिर हम कैंसिल करेंगे. तो इसके लिए 6 है तो यहाँ 6 बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें. तो इक्वेशन नंबर 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इक्वेशन ये हो जाएगा
सिक्स एच हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6H और प्लस का 3K और 3K और माइनस का 3 और राइट हैंड साइड में 0। ये इक्वेशन नंबर 3 इसमें रिड्यूस हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर 3 को हम अब जब 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो इस इक्वेशन नंबर हमने 5 डाल दिया। अब नेक्स्ट इससे पहले वाले जो इक्वेशन है 4 इसको इसके नीचे लिख लें, यानी 6H इक्वेशन 4 को यहाँ पर हम राइट कर रहे हैं, प्लस माइनस का 5K है और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इस देखेंगे 6H कैंसिल हो जाएंगे माइनस प्लस, और इनका डिफरेंस माइनस का 2K बचेगा, इनका डिफरेंस प्लस का 1 बच रहा है, और ट्रांसपोज करेंगे माइनस 1 को तो इससे K की वैल्यू मिल रही है हमको 1 से 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो K की वैल्यू 1/2 मिल रही है। अब इस K की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन 3 या 4 में पुट करके हम वैल्यू K की फाइंड कर सकते हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रखना ठीक रहेगा, आसानी से निकल आएगा। हमें h की वैल्यू चाहिए, माइनस टू एच और k की जगह पर जो है वो 1/2 रखना है, तो प्लस का k था तो प्लस का 1/2 और माइनस का 1, राइट हैंड साइड में 0 है, तो इन दोनों टर्म्स को उधर पहुँचाएँ तो माइनस टू एच इज इक्वल टू 1 प्लस हो जाएगा, 1/2 माइनस हो जाएगा, 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 बचेगा, माइनस टू एच है तो h की वैल्यू निकालेंगे, माइनस टू उधर जाएगा तो माइनस टू और टू में इंटू होकर माइनस 1/4 रह गया, तो h की वैल्यू और k की वैल्यू मिल गई, यानी h की वैल्यू हम माइनस 1/4 और k की वैल्यू अगर 1/2 लें तो इक्वेशन नंबर हमारा जो 2 होगा वो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इक्वेशन नंबर ये वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे, इक्वेशन 2 जो है रिड्यूस होकर अब आ गया, यानी कैपिटल y अपान कैपिटल h dy ओवर dx यानी दोनों कैपिटल में है तो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कैपिटल y माइनस 2x होल अपान, क्योंकि बाकी वैल्यू 0 हो चुकी है, 6x माइनस 5y, और ये अब होमोजीनियस में कन्वर्ट हो चुका है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व करने का मेथड हम लोग पीछे पर दूसरे क्वेश्चन में देख चुके हैं, और इसे सॉल्व करने का मेथड होता है हम पुट कर देते हैं, पुटिंग y इज इक्वल टू, ताकि वेरिएबल सेपरेट करना आसान हो जाए, वी एक्स ले लेते हैं, इसलिए हम ये क्या रखेंगे यानी डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, सेकंड फंक्शन हम v को मान के डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन x को माना था x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मान, तो हमारा ये इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 डाल लें, तो इस इक्वेशन 6 को अब इस तरीके से रिड्यूस करके लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी x dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जहाँ पर भी y है वहाँ पर vx एक्स रख देंगे, तो bx माइनस 2x अपन 6x माइनस 5 और y की जगह पर vx रखना है, इस v को राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे तो लेफ्ट में x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों में x को कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में से तो v माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में भी x कॉमन मिल रहा है कैपिटल x तो 6 माइनस 5 वी हो गया, इस v को जब ट्रांसपोज किया तो माइनस v हो गया, x ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और जो बच गया है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस को हम कॉमन भी लिख लेते हैं, थोड़ा सिंपल लगेगा हम लोगों को, वैसे ज़रूरी नहीं कि माइनस कॉमन लें, x डी वी ओवर डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड में माइनस कॉमन लेने पर v माइनस 2 अपॉन 6 माइनस 5 वी और प्लस का v हो गया, और इस v अपॉन 1 कर लेंगे यहाँ पर, और इसका एलसीएम 6 माइनस 5 भी लेंगे तो 1 का इंटू होगा तो v माइनस 2 हो जाएगा, और इसका जब इनर इंटू होगा v इंटू 6 माइनस 5 वी हो गया। अब यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि वेरिएबल्स सेपरेट करें, क्योंकि हम लोगों ने जो सब्सटीट्यूट किया है पुट किया है y इक्वल टू वी एक्स, इसका मेन रीज़न यही था कि हमें वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी वेरिएबल यहाँ पर आप v और x हैं, x यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वी डिपेंडेंट वेरिएबल है, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होगा, तो वी माइनस 2 प्लस 6v माइनस 5v स्क्वायर होल अपान 6 माइनस 5v, अब x dv ओवर dx इन दोनों को डाल v वालों को मिला दें, 6v और v 7v हो जाएंगे, और ऑर्डर से भी लिख देंगे dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर पहले तो हम इसमें माइनस 5v स्क्वायर को लिख दें, इनका ये 7v हो जाएगा, दोनों v मिल गए, राइट टर्म माइनस का फिर 2 है अपान
यहाँ पर माइनस का 5 ही पहले लिख दो और प्लस का 6 है तो उसे बाद में लिख देते। इस माइनस का अंदर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा आ जाएगा 5v² माइनस 7b प्लस का 2 होल अपान ये माइनस, चाहे तो यहाँ कॉमन ले ले, माइनस को बाहर ले लेंगे तो 5b प्लस हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वेरिएबल को सेपरेट करना चाहेंगे, जिधर v है उस तरफ v वाले टर्म ले जाएंगे और x वाले दूसरी साइड ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि dv और dx जो है वो न्यूमरेटर में आ रहे हैं, तो इसलिए इसको उधर ले जाने पर 5v माइनस 6 होल अपान में ये टर्म आ जाएगा 5v² माइनस 7b प्लस 2 dv, और राइट हैंड साइड में ये माइनस छोड़ गए थे और dx न्यूमरेटर पर जा दिया अपान में x से, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन जो आ रहा है उसमें देख रहे हैं ऊपर लीनियर है, यानी एक पावर में है, नीचे क्वाड्रेटिक है, मीन्स दो पावर है, सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड डिग्री का है, तो ऐसे पॉलीनोमियल होते हैं, तो उनको इंटीग्रेट करने का मेथड हमारा जो 12 क्लास की मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 7.3 या 4 होगा, उसमें क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से सॉल्व किया। वैसे इससे भी हम यहाँ पर भाई सॉल्व ऐसे ही करेंगे कि न्यूमरेटर को मान लेते हैं, यानी 5b माइनस 6 को मान लेते हैं a इंटू dy ओवर dv, और ये 5b² माइनस 5b 7b प्लस 2 ये डिनोमिनेटर, और प्लस b कॉन्स्टेंट, a और b की वैल्यू फाइंड करके हमें यहाँ पर ये रखनी होगी, यानी इक्वेशन नेक्स्ट जो आ रहा है a इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 कॉन्स्टेंट है और v² का डिफ्रेंशिएशन 2v होगा, तो यानी 5 इंटू 2v और माइनस 7 इंटू वी का 1 हो जाए, कांस्टेंट का डिफरेंस है 0 प्लस बी, इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिख दें। फिर इस न्यूमरेटर 5b माइनस 6 को हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 7 डाल दीजिए, इसमें रिप्लेस करना होगा और उसकी जगह पर ये वैल्यू रखेंगे, जबकि av की वैल्यू हम निकाल चुके होंगे, ये हो जाएगा 10v माइनस 7 प्लस बी। यहाँ पर a और b की वैल्यू को जब हम फाइंड कर चुके होंगे तब हम इस वैल्यू की जगह पर इक्वेशन नंबर 7 में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम a और b की वैल्यू को अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को आगे बढ़ाना होगा, इस ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई कर देंगे 10ab माइनस का 7a प्लस का b, और इधर है 5b माइनस का 6, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो v का कोएफिशिएंट यहाँ पर 10a है, इधर है 5, और इधर हम देख रहे हैं हम a की वैल्यू पहले फाइंड कर सकते हैं, 5/10 करेंगे तो 5 बन जा और 5 × 10 तो 1/2 आ गई a की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आपस में इक्वेट करेंगे तो माइनस 7a प्लस बी, और इस तरफ कांस्टेंट माइनस का 6 है उसको आपस में इक्वेट किया, यानी ab के अलावा जो टर्म है, क्योंकि दो अगर पॉलीनोमियल इक्वल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट भी इक्वल होते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1/2 पुट कर दी, तो माइनस 7 इंटू ए की जगह पर 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 6, इसको उधर पहुँचा देंगे ये 7/2 बन चुका है, तो v इज इक्वल टू माइनस 6 और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 7/2। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यानी v की वैल्यू हमारी आ चुकी है, ये हमारा था माइनस 6 अपान बंद कर लें प्लस 7/2 है, इनका एलसीएम 2 हो जाएगा तो माइनस 12 हो जाएगा और प्लस का 7 डिफरेंस माइनस 5/2 आ गया, तो v की वैल्यू भी आ चुकी है। इस वैल्यू को हम लास्ट के इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू यानी 5v माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी, इसको इस तरीके से रख सकते हैं, a की जगह पर हमें रखना है 1/2 और ब्रैकेट में था इक्वेशन नंबर 8 में रख रहे हैं हम ये 10b माइनस का 7 प्लस बी, और b की वैल्यू थी माइनस 5/2 ये आई है। इस वैल्यू को उठा के हम अपने इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देते जो हमारा इंटीग्रल चल रहा था उसके न्यूमरेटर में, यानी 1/2 10b माइनस 7 प्लस माइनस 5/2, और डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा जो भी लिखा था 5b² माइनस 7b प्लस का 2, डिनोमिनेटर वैसे ही रहा अभी, और राइट हैंड साइड में माइनस 1/x dx भी रहा। अब जहाँ से प्लस या माइनस है वहाँ से सेपरेट कर देंगे, यानी ये अपन ये कर देंगे, दो टर्म में बांट देंगे इंटीग्रल को, यहाँ पर dv होगा तो अलग अलग इंटीग्रल में बांट रहे हैं 10v माइनस 7 लीनियर प्रॉपर्टी से इंटीग्रल की, तो ये अपान भी टोटल कर दें 5b² माइनस 7v प्लस के 2, और ये अपान ये कर देंगे प्लस माइनस 5/2 dv अपान 5b² माइनस 7v प्लस का 2, और 1/x का इंटीग्रेशन मालूम ही आपको log x होता है, और यहाँ पर
कांस्टेंट एक सी ऐड कर दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या हम सी डैश ऐड कर देते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या ठीक रहेगा। इसको हम मान लेते हैं 5v² - 7v + 2 को कुछ और मान लेते हैं, वेरिएबल टी मान लेते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 × v का 2v हो जाएगा dv, और -7 और v का dv हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 और t का dt हो जाएगा। यहाँ से dv कॉमन लेंगे तो 10v - 7dv बचेगा हमारे पास = dt। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में मौजूद है, इसकी जगह पर हम dt पुट कर देंगे, और 1/2 × में जो इधर चल रहा था इसको हम यहाँ पर इंटीग्रेशन के साइन से कांस्टेंट से बाहर ले लेंगे। तो 1/2 को बाहर लेने पर ऊपर हमने dt रख दिया, नीचे t रख दिया, प्लस का साइन है, लेकिन इस कांस्टेंट को जब हम बाहर निकाल रहे हैं -5/2, तो हमारे पास ऊपर 1 बचा, क्योंकि 1 का इधर इंटू मान सकते हैं, और अपान में ये 2 पावर है, क्वाड्रेटिक है। तो इसे सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि आप इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाएं, तो उसके लिए वी स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए इसमें से 5 को तीनों में से कॉमन ले लो। तो फर्स्ट टर्म तो वी बन जाएगा, इसमें 5 था नहीं, तो अपान में 5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी अपान में आ जाएगा 5। राइट हैंड साइड में जैसा है ऐसे ही नोट कर दें, लॉग एक्स प्लस का सी डैश 1/2 और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग टी, तो ये लॉग टी हो जाएगा -5/2, और ये 5 कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख देते हैं। और इसे होल ऑफ स्क्वायर बनाने की अगली स्टेप है, फर्स्ट स्टेप तो आपने पूरी की, इसका कोएफिशिएंट 1 बना लिया, नहीं लिखा तो 1 होता है, और अगला स्टेप जो होता है वो वी को कोएफिशिएंट को देखेंगे, जो 7/5 है, इसमें डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका कोएफिशिएंट को हाफ कर दो, यानी 7/10 हो गया, उसका स्क्वायर को ऐड कर दो। ऐड करना है, ऐड किया है तो हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर यानी 49/100 को हमने यहाँ पर सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, ऐड किया सब्सट्रैक्ट कर दिया, हिसाब किताब बराबर हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ अभी हम बता रहे हैं, पहले इसको हम लिख दें, बाकी जो टर्म है राइट हैंड साइड में था एज इट को बिना किसी चेंज के हमने लिख दिया। इसे ये तीनों टर्म मिला के होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे a² - 2ab + b² का। तो यहाँ पर a की जगह पर v है और b की जगह पर ये, तो a - b का होल ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर, और 1/2 log t की वैल्यू इधर वापस कर दें जो हमने मानी थी 5v² - 7b + 2। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली हमारा 1/2 बचा चल रहा है, और इधर होल ऑफ स्क्वायर करके लिख देंगे, ये डी भी लिख दीजिएगा ज़रूर, 1/5 ये तीनों टर्म मिल के बना दिया, बी माइनस बिटवीन साइन माइनस है 7/10 का होल ऑफ स्क्वायर, और इनको हम कैलकुलेट करके फिर रख देंगे, नहीं तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये काम रफ पे कर लें, कितना था 2/5 था और माइनस का 49/100 था, इनका एलसीएम तो 100 होगा जबकि आपको मालूम है, और यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, और 2 × करेंगे 40 हो जाएगा, माइनस का 49 तो माइनस का 9/100 बचा। तो इसको यहाँ पर हमने सॉल्व करके प्लस माइनस करके लिख दिया, यानी माइनस के 9/100 करके लिख दिया डी वी। राइट हैंड साइड में जो है वो नोट कर दें, यानी लॉग एक्स प्लस का सी डैश कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था। यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बी की वैल्यू है वो वापस लास्ट में करेंगे हम, 5v² - 7b + 2 -1/2। यहाँ पर देखिए ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन चुका है, v माइनस सिर्फ देखिए यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट v में जोड़ लाओ घटाओ कोई फेंक नहीं पड़ता, बस ध्यान रहे कि v का कोएफिशिएंट 1 है, यानी नहीं लिखा है कुछ यहाँ पर, सिर्फ v लिखा है। तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला लगा सकते हैं जो अभी हम लिखेंगे, इसे लिखा जा सकता है 3/10 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और फार्मूले से मैच करा के इसको लगा देंगे, लॉग एक्स प्लस का सी डैश यहाँ पर एज इट नोट कर लिया। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा इसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसमें लगेगा 1/(x²-a²) यानी वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल है ये, तो इसकी वैल्यू होती है 1/2a log x - a/(x+a)। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बाकी हम जो लेफ्ट में साइड है वो वैसे ही नोट कर दे रहे हैं, 1/2 log ऑफ 5v² लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म है विदाउट एनी चेंज। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 1/2a की जगह पर हमारा जो है वो यहाँ पर 3/10 है, और x की जगह ये टोटल है, तो x 1/2a ये फार्मूला उसमें है ये 3/10, और फिर log लिखेंगे ये, और फिर x की जगह पर मैंने बता दिया v माइनस 7/10 है, उसको पूरे को x हमने, और माइनस करना है a की वैल्यू बता चुके हैं 3/10 है,
अपान में फिर यही v माइनस सेवन अपान टेन यानी x प्लस, अब की यहाँ माइनस के यहाँ प्लस हो जाएगा, थ्री अपान टेन, राइट हैंड साइड में वही log x प्लस का c डैश ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि टेन डबल अपान में इसका ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो वन बाई टू लॉग ऑफ फाइव वी स्क्वायर माइनस सेवन वी प्लस का टू माइनस ये टेन ऊपर चला गया और इधर टू टू या फोर और थ्री जाए ये फोर थ्री जाए ट्वेल्व हो गया। लॉग ऑफ इधर हम टेन को एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में टेन को एलसीएम लेंगे तो ये टेन वी हो जाएगा और माइनस सेवन और माइनस का थ्री, और डिनोमिनेटर में भी हम इस टेन को एलसीएम ले लें तो ये टेन वी हो जाएगा माइनस सेवन और प्लस का थ्री। राइट हैंड साइड में चल रहा था लॉग एक्स प्लस का सी डैश, ये अपान वाला टेन से टेन ये कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा एक ही लॉग के अंदर है। अब हमें अगला स्टेप में लिखना है वन बाई टू जो चल रहा था लिखा लॉग ऑफ फाइव वी स्क्वायर माइनस सेवन वी प्लस का टू, ये टू से कैंसिल करेंगे तो फाइव बाई सिक्स हो जाएगा, माइनस फाइव बाई सिक्स लॉग ऑफ जो न्यूमरेटर में बचा हुआ है टेन वी माइनस सेवन माइनस थ्री होल अपान टेन वी मैन, और इनका डिफरेंस ये सॉरी ऐड कर लेना चाहिए था हमें, माइनस सेवन माइनस थ्री तो माइनस का टेन हो जाएगा, ये कंप्लीट हुआ, माइनस का टेन है ये और इनका डिफरेंस माइनस का फोर बचेगा, और राइट हैंड साइड में जो है वो लॉग एक्स प्लस का सी डैश चल रहा था वो यहाँ पर हमने एज इट नोट कर लिया विदाउट एनी चेंज। अब वी की वैल्यू वापस कर दीजिए, तो वन बाई टू वी की वैल्यू थी हमारी कैपिटल, देखिए ये माना था वी वी की वैल्यू निकालें कैपिटल वाई अपन कैपिटल एक्स हो जाएगा, यहाँ से वी इज इक्वल टू कैपिटल वाई ओवर एक्स वो वहाँ पर पुट कर दें, अपनी तरफ से मानी वैल्यू है तो वाई अपान वी की जगह पर वाई अपान एक्स रखेंगे तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा अपान में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेवन ये वाई अपान एक्स प्लस का टू माइनस फाइव बाई सिक्स लॉग एफ लॉग एक्स, अगर टाइम कम हो एग्जामिनेशन में तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वेयर वी इतना और फिर एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू स्मॉल एक्स की फार्म में और रख दें और एच और के की वैल्यू भी रख दें क्वेश्चन कर दें या फिर ये वैल्यू सारी पुट कर दें, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं वैल्यू, तो y की वैल्यू कैपिटल y अपन कैपिटल x है माइनस का 10 और यहाँ पर भी हम 10 y की वैल्यू y अपन x रख दें माइनस का 4 राइट हैंड साइड में log कैपिटल x प्लस का c डैश। इधर एलसीएम लेकर थोड़ा सिंपलीफाई हम करना चाहते हैं तो ये 1 बाई टू log x स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे तो 5 y स्क्वायर माइनस 7 एक्स वाई और प्लस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का फाइव बाई सिक्स लॉग, इधर हम दो काम कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं टेन को और दूसरा एलसीएम एक्स ले रहे हैं तो अपान में एक्स है और ये हो जाएगा वाई माइनस का एक्स हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन टू आ रहा है तो टू कॉमन लेने पर और एक्स एलसीएम लेने पर यहाँ पर टू कॉमन लिया तो फाइव हो गया वाई पहले से था माइनस और यहाँ टू कॉमन लिया तो टू बचा और एक्स को एलसीएम लेने की वजह से यहाँ पर एक्स आ जाएगा अपान वाला एक्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड में नो चेंज लॉग एक्स प्लस का सी डैश कर दीजिए। अब यहाँ पर हम अगले स्टेप में लिख रहे हैं वन बाई टू लॉग ऑफ फाइव वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर है ये अपान में एक्स स्क्वायर और राइट हैंड सॉरी ये कैंसिल कर सकते हैं टू से टेन को फाइव टाइम्स माइनस फाइव बाई सिक्स लॉग फाइव टाइम्स कैपिटल वाई माइनस एक्स अपान फाइव वाई माइनस का टू एक्स राइट हैंड साइड में लॉग एक्स प्लस का सी डैश। अब इसमें लॉग इस लॉग को हम ऐसा भी कर सकते हैं वन बाई टू को इसे ले जाए पावर में पहुंचा देंगे तो लॉग ऑफ स्क्वायर वन बाई टू जब पावर में पहुंचाएंगे इसे वन बाई टू जो इनटू में है पावर में पहुंचा देंगे तो फाइव वाई स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और इस लॉग को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में ले आते हैं लॉग एक्स और इसको ऐसे लिख देंगे माइनस फाइव बाई सिक्स लॉग ऑफ फाइव टाइम्स वाई माइनस एक्स हो पर फाइव वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू सी डैश। अब ये पावर हमने बोला था ले गए तो पावर यहाँ पर लगा दीजिए और पावर वन बाई टू का मतलब स्क्वायर रूट करेंगे पावर इसकी स्क्वायर रूट लग जाएगी यहाँ पर एक्स आ जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ स्क्वायर रूट जो भी था फाइव वाई स्क्वायर माइनस का सेवन एक्स वाई और प्लस का
टू टाइम्स एक्स स्क्वायर अपान में पावर एक ही रह जाएगी, एक्स रह जाएगा, माइनस लॉग एक्स है और माइनस का 5/6 था, और 5/6 था लॉग ऑफ 5 टाइम्स वाई माइनस एक्स ओवर 5/5 माइनस का 2x। और राइट हैंड साइड में सिर्फ एक कांस्टेंट हमने सी डैश रखा हुआ है, इसमें लॉग एम बाई एन का फार्मूला लगा देंगे, यानी लॉग स्क्वायर रूट 5y² माइनस 7xy और प्लस 2x² और माइनस का लॉग एक्स लॉग एम जे और लॉग एन जे करेंगे, और एक लॉग एक्स ये चल रहा था तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे माइनस का 5/6 लॉग ऑफ 5y माइनस एक्स ओवर 5y माइनस 2x, और राइट हैंड साइड में ये कांस्टेंट सी डैश चल रहा है। अब यहाँ पर कैपिटल एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालिए, यहाँ से पुट की थी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को पुट किया था, देखिए यहाँ से किया था। अगर हम इस कैपिटल एक्स की वैल्यू निकालेंगे एक्स माइनस एच हो जाएगा, और कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई माइनस के हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए तो लॉग ऑफ थोड़ा सा लंबा सा हो जाएगा ये 5, तो y माइनस के होल ऑफ स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स एक्स की जगह पर एक्स माइनस एच और कैपिटल y की जगह पर y माइनस का k रख देंगे और प्लस का 2, अगर ना रखना चाहें तो लिख दें बाद में, वेयर एस कैपिटल x और कैपिटल y की ये वैल्यू है और h और k की वैल्यू जो निकाली दो, जरूरी नहीं सारी वैल्यू पुट करें। एक्स माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर वैसे कंप्लीट वही होगा जो हम लिख रहे हैं, 2 लॉग एक्स एक्स मतलब एक्स माइनस एच 5/6 और लॉग ऑफ न्यूमरेटर में ये है वाई माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, वाई माइनस के और माइनस एक्स माइनस एच होल अपान 5 वाई माइनस के और माइनस 2 टाइम्स एच एक्स माइनस एच। अब राइट हैंड साइड में ये सीधा है। अब मेरे पास भी टाइम कम है इसलिए आप लिख लीजिएगा वेयर, या आप डाल दीजिएगा अगले स्टेप में h की वैल्यू और k की वैल्यू जो हमने वहाँ पर निकाली थी पहले, इसकी वैल्यू शायद 1/2 आई थी h की और सॉरी k की वैल्यू थी ये k की, h की वैल्यू -1/4 आई थी, सॉरी -1/4 आई थी और k की वैल्यू 1/2 आई थी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आप अगली स्टेप में पुट कर दीजिए या इतना ही छोड़ दीजिए तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी वाखरुद्दावाना अलहमदुल्लाहि रब्बिल आलमीन।